Hi everyone, welcome to our channel The AGNI'S and you are watching the video series of class 12th business studies. Students, देखिए हमारा पहला chapter चल रहा है जो कि है nature and significance of management. इसका पहला part हम लोग कर चुके हैं और I hope आपको वो पहला part समझ आया होगा. अब हम बढ़ते हैं second part की तरफ जिसमें हम लोग nature of management and level of management के बारे में पढ़ेंगे. ये दो बहुत important topic हैं इस chapter के, तो चलिए start करते हैं बिना देरी किए हुए. होप आप नोट्स बना रहे हैं और इस वीडियो के भी बनाएंगे. अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग पहला पार्ट ज़रूर देखें, उसके बाद ही आपको इस पार्ट के बारे में बेहतर समझ आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग बात करने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. बेसिकली कई ऑथर्स बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस की तरह है क्योंकि इसमें काफ़ी प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ती है. कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह है क्योंकि इसमें एक परफेक्ट नॉलेज की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है. कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. तो मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि मैनेजमेंट इन तीनों में से सबसे ज़्यादा करीब किसके है. सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस. देखिए साइंस के हम तीन फीचर्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि मैनेजमेंट में भी क्या वो साइंस के तीन फीचर्स हैं. तो सबसे पहला फीचर आ जाता है सिस्टमैटिक नॉलेज. देखिए साइंस एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाता है जिसमें हम लोग पहले बेस करते हैं, उसके बाद हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं. सिमिलरली मैनेजमेंट भी बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है. इसमें भी हम लोगों को पहले बेसिक सिखाए जाते हैं, उसके बाद हाई लेवल की स्टडी होती है. बेसिकली सिस्टमैटिक नॉलेज कोई भी एक ऐसी नॉलेज होती है जो हमको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है और जिसकी आगे जाके हम लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं और उसमें हम कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं. तो जो पहला कंसेप्ट है साइंस का एज अ सिस्टमैटिक नॉलेज, तो मैनेजमेंट इसमें बिल्कुल फिट बैठती है और ये वाला जो पॉइंट है ये मैनेजमेंट के अंडर आता है. पॉइंट नंबर टू, साइंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स. देखिए हम सबको पता है कि साइंस तभी समझी जाती है जब उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं. कोई भी अगर नई चीज़ आती है तो उससे पहले कोई भी इन्वेंशन होती है या डिस्कवरी होती है तो उससे पहले उसको कई बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उसके बाद ही लोगों के सामने उसको लाया जाता है. सिमिलरली मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम काम करते हैं, पर यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि मैनेजमेंट टोटली बेस्ड होती है ह्यूमन नेचर पर. यहाँ पर इंसानों के बारे में पढ़ाई होती है और जो सिचुएशन है इसमें इंसान बहुत इन्वॉल्व है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी मार्केट है तो उसमें जो डिमांड होती है वो भी लोग ही तय करते हैं. और क्या लोगों की जो सोच है वो एक जैसी रहती है? नहीं, ये हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि लोगों की सोच जो है वो टाइम के साथ बदलती है. तो यहाँ पर अगर हम समझें कि जो एक्सपेरिमेंट का पॉइंट है वो मैनेजमेंट में पूरी तरह फिट नहीं बैठता है क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है वो एवर चेंजिंग होता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है. पर साइंटिफिक अगर हम एक्सपेरिमेंट को देखें तो साइंस के एक्सपेरिमेंट्स चेंज नहीं होते हैं, वो 100% और हर जगह एक ही जैसे रहते हैं. तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट फिट नहीं बैठता है. पॉइंट नंबर थ्री, साइंस इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल. देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी साइंस के रूल्स होते हैं, केमिकल नेम होते हैं या केमिकल फॉर्मूला होते हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं. वो पूरी दुनिया में एक ही तरह समझे जाते हैं और उसके रूल्स कभी चेंज नहीं होते हैं. इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं. जैसे मान लीजिए कि वाटर का केमिकल नेम होता है H2O, तो इसमें H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिली होती है. अब पानी चाहे US का है, चाहे इंडिया का है या चाहे कहीं और का है, आप देखेंगे कि पानी का जो केमिकल फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम रहता है हर जगह. पर क्या मैनेजमेंट के रूल्स भी इसी तरह यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं? स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के जितने भी रूल्स हैं वो हर जगह एक ही तरह के पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो US है चाहे वो इंडिया हो. पर मेन इसमें पार्ट ये आ जाता है कि मैनेजमेंट के रूल्स को अलग अलग तरह से सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है और उस पर एक्ट करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं मैनेजेरियल एक्सपीरियंस. तो बिसाइड्स सारे रूल्स, यहाँ पर एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस की तरह मैनेजमेंट उतनी पक्की तरह इस पॉइंट पे भी नहीं खरा उतरता है, तो ये पॉइंट भी मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता है. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल तो साइंस से मिलता है पर बाकी जो दो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंस से नहीं मिलते हैं. तो यहाँ पर हम फाइनली ये कंक्लूड करते हैं कि मैनेजमेंट को हम
प्योर साइंस नहीं कह सकते हैं, हालांकि मैनेजमेंट को सोशल साइंस और इन एग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक साइंस की तरह तो नहीं है, पर अब हम ये देख सकते हैं कि क्या मैनेजमेंट में आर्ट्स के फीचर्स हैं। स्टूडेंट्स, आर्ट्स क्या होता है? आर्ट्स कोई भी कला होती है, और कला का सबसे बड़ा फीचर यही होता है कि उसको सुधारा जा सकता है, उसको लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। कुछ लोग मशहूर हो जाते हैं और कुछ लोग इतने मशहूर नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं, क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है? पॉइंट नंबर वन, आर्ट इज़ अ सिस्टमैटिक नॉलेज। देखिए, अगेन साइंस की तरह ये वाला पॉइंट है, तो इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक पैटर्न होता है पढ़ाई का, जिसमें हम पहले बेसिक्स करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं। तो बिल्कुल सेम ये वाला पॉइंट तो आर्ट के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर फिट बैठता है। पॉइंट नंबर टू, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। देखिए, कोई भी आर्ट जब सीखी जाती है तो उसमें पहले तो रूल समझे जाते हैं, उसके बाद उसी आर्ट को अपने हिसाब से और अपनी क्रिएटिविटी और स्किल्स के अकॉर्डिंग डेवलप किया जाता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि दो सिंगर हैं जिन्होंने एक ही स्कूल से सिंगिंग सीखी है, सारे सुर सारे ताल, प्लस उनके जितने भी टीचर्स थे वो सारे सेम थे, पर उनमें से आगे चल के एक सिंगर बहुत सक्सेसफुल हो जाता है अपनी स्किल की वजह से या अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, पर दूसरा सिंगर जो है वो इतना कामयाब नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सीधा एक चीज़ समझी जा सकती है कि मैनेजमेंट में भी रूल्स सबको एक जैसे ही पढ़ाए जाते हैं, पर कुछ मैनेजर्स बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, हालांकि कुछ मैनेजर इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उनको क्रिएटिविटी दिखानी होती है, एनवायरनमेंट के साथ बदलना होता है और डिसीजंस चेंज करने होते हैं। तो ये वाला पॉइंट स्टूडेंट्स बिल्कुल फिट बैठता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह इस पॉइंट को बिल्कुल सही समझती है। पॉइंट नंबर थ्री, आर्ट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। देखिए, आपको पता है कि कोई भी कलाकार सिर्फ कला सीख के कलाकार नहीं बनता, उसको लगातार प्रैक्टिस करनी होती है और अपने काम को इम्प्रूव करना होता है। तो सिमिलरली मैनेजमेंट में भी बिल्कुल सेम सिनेरियो होता है। इसमें भी सबसे पहले आपको रूल्स सिखाए जाते हैं, उसके बाद आपको उन रूल्स की प्रैक्टिस करनी होती है, आपको अलग अलग सिचुएशंस में उनको डील करना होता है, तब जाके ये आप एक बेहतर मैनेजर बन पाते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी बिल्कुल फिट बैठता है कि मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह समझी जा सकती है। तो यहाँ पर हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल मैनेजमेंट और आर्ट के फिट बैठते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह बिल्कुल सही है। नाउ स्टूडेंट्स, साइंस एंड आर्ट के बाद अब हम कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट को प्रोफेशन से। तो देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। इसमें पॉइंट नंबर वन आता है कि जो प्रोफेशन है वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो लॉयर का हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, चाहे वो टीचर का हो, उसको पढ़ाई करनी पड़ती है, कोई एक नॉलेज हासिल करनी होती है, उसी के बाद वो एक प्रोफेशनल कहलाता है। बिल्कुल सेम मैनेजमेंट में भी ऐसा हम समझ सकते हैं। देखिए, मैनेजमेंट को करने के लिए भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको रूल समझने पड़ते हैं और उसके बाद आप उन रूल्स को अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल फिट बैठता है। पॉइंट नंबर टू, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। देखिए, कोई भी प्रोफेशन है, चाहे वो डॉक्टर हो या कोई लॉयर हो, उसको एक डिग्री की ज़रूर होती है, तभी वो एक प्रोफेशनल कहलाता है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि डॉक्टर्स के पास MBBS डिग्री होती है, लॉयर्स के पास LLB डिग्री होती है मेनली, तो क्या मैनेजर्स के पास भी कोई डिग्री होनी ज़रूरी है? मैनेजर्स के पास डिग्री हो तो ये बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ पर कोई ऐसा लॉ या कोई कानून नहीं है कि कोई डिग्री के बाद ही कोई मैनेजर बन सकता है। देखिए, मैनेजमेंट में डे टू डे कोई भी आदमी काम कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक इंसान का पर्टिकुलर बिजनेस है खुद का, तो वो खुद ही मैनेजमेंट के सारे काम संभालता है, तो उसको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि एज अ प्रोफेशनल, जैसे कि प्रोफेशनल को डिग्री की ज़रूरत होती है, मैनेजर्स को डिग्री होना अभी कोई लॉ नहीं है, तो ये पॉइंट मैनेजमेंट में काउंट नहीं होता है। पॉइंट नंबर फोर, सर्विस मोटिव। कोई भी प्रोफेशनल अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विस देना चाहेगा, वो ये चाहेगा कि क्लाइंट जो है उसका हमेशा उसी का क्लाइंट बना रहे, कहीं और ना जाए या कोई और सर्विस ना ले। तो इसके लिए जो प्रोफेशनल है वो हर वो चीज़ करेगा जो कि उसका क्लाइंट चाहेगा और अपनी क्लाइंट्स की डिमांड पूरी करने की पूरी तरह कोशिश करेगा। पर क्या मैनेजर्स भी बिल्कुल इसी तरह सोच सकते हैं? देखिए, मैनेजर्स जब भी किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो बेसिकली उस कंपनी का प्रॉफिट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है क्लाइंट के लिए।
पर सिर्फ प्रॉफिट कमाना तो मैनेजमेंट का काम नहीं है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, प्लस पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जो मैनेजमेंट को पूरे करने होते हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ साफ देख सकते हैं कि मैनेजर्स अपने क्लाइंट को पूरी तरह सेटिस्फाई करने में सक्षम तो होते हैं, पर उनके साथ साथ सिर्फ उनका मोटिव वही नहीं होता, और भी कई मोटिव होते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये हम मैनेजमेंट पे इंक्लूड नहीं करेंगे। कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में बिल्कुल ऐसा कोई लॉ ज़रूरी होगा मैनेजर्स के लिए भी, क्योंकि मैनेजमेंट आज की डेट में बहुत बड़ी प्रैक्टिस बनी हुई है। प्लस इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बड़ी बड़ी ऐसी हैं जो कि मैनेजमेंट के ऊपर ही काम कर रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि तीनों से कंपैरिजन के बाद हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस पूरी तरह फिट नहीं है। हालांकि मैनेजमेंट एक सोशल साइंस की तरह पढ़ी जा सकती है, उसी तरह मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह बिल्कुल समझी जा सकती है, क्योंकि जितने भी आर्ट्स के पॉइंट्स हैं वो मैनेजमेंट में बिल्कुल सेम आते हैं। पर मैनेजमेंट प्रोफेशन की तरह भी नहीं है, हालांकि प्रोफेशन के रास्ते पर चल रही है, और जैसे ही रूल्स और लॉज बनते जाएंगे मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन की तरह हो जाएगी। तो ये कंक्लूजन, उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और कंक्लूजन भी आपको समझ आए होंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मैनेजमेंट है वो किसी एक आदमी का काम नहीं होता है। सिर्फ मैनेजर्स रख लेने से मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती है। मैनेजमेंट एक चेन है, और इस चेन को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग और बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बेसिक लेवल्स तीन हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और सबऑर्डिनेट लेवल। तो इन लेवल्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और इनके फीचर्स और वर्किंग्स जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कई सारी पोस्ट होती हैं, जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और भी कई होती हैं। तो इनके वर्किंग्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेन काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। तो सबसे पहला काम है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी गोल बनाना है तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है। कंपनी किस दिशा में काम करेगी, कितना प्रोडक्शन करेगी या कितनी सेल्स करेगी, ये काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। वो बेसिकली डिसाइड करते हैं कि हमारा इस साल का टारगेट क्या है, और उस टारगेट के हिसाब से ही आगे काम चलता है। सेकेंड पॉइंट है मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़। तो बेसिकली जितने भी प्लान्स हैं या जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, कोई भी एम्प्लॉयज़ के लिए नई पॉलिसी लानी है या कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है। पॉइंट नंबर थ्री, अरेंजमेंट ऑफ वर्क फॉर मिडल लेवल मैनेजमेंट। देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद मिडल आती है, तो ये साफ है कि जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है वो सारे ऑर्डर्स फॉलो करती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट निकल के आता है कि मिडल लेवल मैनेजमेंट के जितने भी काम होंगे, जितना भी टारगेट होगा, वो डिसाइड करेगी टॉप लेवल मैनेजमेंट। फोर्थ पॉइंट है, जितने भी फाइनेंस होता है, जितना भी कैपिटल होता है एक कंपनी में, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही अरेंज करती है। देखिए, कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है या फाइनेंस की ज़रूरत है, और फाइनेंस लेने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस या शॉर्ट टर्म फाइनेंस, डिबेंचर्स, शेयर्स। तो ये सारी चीज़ें कितने हिसाब से होनी चाहिए किसी कंपनी में, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है। फाइव, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी सर्वाइवल है, वो कितने दिन तक काम करती है, या उसका जो भी ग्रोथ है, उसकी ब्रांचेज नई खोलनी है या और एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने हैं, तो ये भी बेसिक काम जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। वही ऑर्डर पास करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है कंपनी को, और टेक्नोलॉजी चेंज कितनी होनी है अगर होनी है तो। तो यहाँ पर ये बात कर सकते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि ग्रो कितनी करेगी कंपनी और कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएगी। पॉइंट नंबर सिक्स, रिलेशनशिप विद आउटसाइड वर्ल्ड। देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि वो बाहर की दुनिया से कनेक्शन बना के रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या उनको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देना, प्लस शेयर होल्डर्स से भी कनेक्शन बनाना। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो कि कंपनी के अकाउंट्स चेक करते हैं, तो उनसे भी कनेक्शन बना के रखना। तो ये सारे काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। बेसिकली आउटसाइड इन्वायरमेंट को पूरी तरह जान लेना और उसके हिसाब से अपने आइडियाज़ को चेंज करना भी टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम है।
अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे मिडल लेवल मैनेजमेंट के बारे में, जो पूरी तरह डील करती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाती है, जैसे कि सेल डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, या फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग काम संभालते हैं और उनके ऊपर एक हेड होना बहुत ज़रूरी है जो कि इन डिपार्टमेंट्स को संभाले। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, तो ये सारे मैनेजर जो होते हैं ये मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। तो यहाँ पर अब हम मिडल लेवल मैनेजमेंट के पॉइंट्स पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनका क्या काम होता है। वर्किंग ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड सबॉर्डिनेट लेवल। देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी प्लान्स बनाती है वो सबॉर्डिनेट लेवल तक पहुँचाना होता है ताकि उन प्लान्स को एग्जीक्यूट किया जा सके। तो ये काम सबसे अच्छा मिडल लेवल मैनेजमेंट कर लेती है। पॉइंट नंबर 2, मिडल लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करती है अपने डिपार्टमेंट्स का काम। आपने अभी पढ़ा है कि मिडल लेवल मैनेजमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। तो बेसिकली मैनेजर्स को फ्रीडम होती है कि वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकें कि कौन सी पॉलिसी, कौन सा प्लान काम करेगा कि हमारी सेल्स बढ़ेगी या हमको फाइनेंस जुटाने में हेल्प मिलेगी। तो ये काम भी मिडल लेवल मैनेजमेंट का है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि मिडल लेवल मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट का भी प्रोसेस करती है। कितने एम्प्लॉयज़ उनके डिपार्टमेंट को चाहिए, कितनी रिक्रूटमेंट और करनी चाहिए हम लोगों को, और कौन रिटायरमेंट लेगा इस साल, तो ये सारे जो प्लान्स होते हैं ये भी मिडल लेवल मैनेजमेंट ही बनाती है। नंबर 4, मिडल लेवल मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प्स इन मोटिवेशन एंड कंट्रोल। देखिए, मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम ये भी होता है कि अपने डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें समय समय पर और उनकी वर्किंग्स को चेकआउट करें, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है या एम्प्लॉयज़ कहीं उनका कॉन्फिडेंस लो तो नहीं हो रहा है। तो ये काम भी मिडल लेवल मैनेजमेंट का है। पॉइंट नंबर 5, मिडल लेवल मैनेजमेंट्स ऑल्सो कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। देखिए, इसमें क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा। अब सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर से भी कनेक्शंस बनाएगा या फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर से भी कनेक्शन बना के रखेगा और उनसे प्लान्स और पॉलिसीज डिस्कस करेगा ताकि साथ में मिलके काम किया जा सके। अब इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। अब मान लीजिए कि सेल्स डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर ले लिया कि 10,000 मोबाइल फ़ोन्स बनाने हैं, पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इस बारे में बात ही नहीं की, पूछा ही नहीं। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है इतना बड़ा ऑर्डर पास करने के लिए। तो ये लैक ऑफ इंटरेक्शन मिडल लेवल मैनेजमेंट को संभालना होता है। हम बात करने वाले हैं सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जो कि है सबॉर्डिनेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें अलग अलग तरह की पोस्ट आती हैं, जैसे कि सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर्स, फोरमैन, क्लर्क। इनके अंडर कई सारे वर्कर्स काम करते हैं जो कि सबसे लोअर लेवल पे काम करते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट है इनका क्या काम होता है। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आ जाता है वो है अंडरस्टैंडिंग द ग्रीवियंसेस ऑफ वर्कर्स। देखिए, जो भी हमारे वर्कर्स काम करते हैं, सबसे नीचे पोस्ट पे काम करते हैं, बेसिकली प्रोडक्शन सेल्स वगैरह का काम उन्हीं को दिया जाता है। मोस्टली फील्ड वर्कर्स भी होते हैं जो फील्ड पे बाहर जाके काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा मेहनत का काम वर्कर्स का होता है। तो इसीलिए वर्कर्स का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। उनको अगर कोई शिकायत होती है, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं है, तो उनकी जितनी भी शिकायतें हैं या और कोई प्रॉब्लम है, तो वो सबॉर्डिनेट लेवल मैनेजमेंट को अच्छी तरह पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी वर्कर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेसिकली प्रोडक्शन हो गया या और कोई फील्ड वर्क होता है तो उसमें वर्कर्स ही मेन अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझनी ज़रूरी है कि उनकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कई तरह की मशीन्स होती हैं या और इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं जिनसे वर्कर्स को नुकसान पहुँच सकता है अगर वो सही से मेंटेन नहीं की जाती है। तो यहाँ पर सबॉर्डिनेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम ये भी है कि वर्कर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी बनाए रखें और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक बात पहुँचाए। मेंटेनेंस ऑफ एग्जैक्ट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। देखिए, कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्शन करती है तो वो ज़रूर चाहती है कि हमारा जो सामान है वो क्वालिटी के हिसाब से बने और एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो, जिससे हमारे जो क्लाइंट्स हैं और कस्टमर्स हैं वो खुश रहें। तो सबॉर्डिनेट लेवल मैनेजमेंट का भी ये काम होता है
कि जो वर्कर्स हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं वो कोई ऐसा अलग तरह से काम ना करें, जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं उसी हिसाब से काम करें और क्वालिटी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड मेंटेन रखें ताकि आने वाले समय में कोई शिकायत ना आए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिनिमाइजिंग ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, किसी भी कंपनी के पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, उनको उनके पैसे देने होते हैं और उनकी कोई कॉस्ट होती है, तो जितनी कम वेस्टेज होगी उतना ही कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो सबॉर्डिनेट सर्विस का काम यही होता है कि वो अपने अंडर काम कर रहे वर्कर्स को ये समझाएं कि सामान बनाते समय ज़्यादा वेस्टेज ना हो ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा ना लगे और काम सस्ते में हो जाए। मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा काम वर्कर का ही होता है और सबसे डिफ़िकल्ट इन्वायरमेंट में वर्कर्स ही काम करते हैं। बेसिकली टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट्स के लिए अच्छे ऑफिसेज बने होते हैं, पर वर्कर्स को प्रोडक्शन का काम करना होता है जो कि फैक्ट्री में ही ज़्यादातर होता है। तो ऐसे में वर्कर्स का मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो उनको मोटिवेट करना और उनको ये बताना कि आपके जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के हिसाब से ही चलने चाहिए, तभी हम लोग अपनी प्रोडक्शन जो हमको टास्क मिला है वो हम पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबॉर्डिनेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसको बहुत अच्छी तरह कीजिएगा क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, कम से कम 4 या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आता है एग्ज़ाम में, तो कोशिश करके इसको अच्छी तरह रिवाइज़ कीजिएगा। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसको कहते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हालांकि ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं पर इसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टूडेंट्स, इन्हें कहते हैं मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेंगे, तो चलिए हर फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट आ जाता है प्लानिंग। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम शुरू करने से पहले प्लान बनाती है, जिस प्लान के हिसाब से वो काम करती है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर हुम टू डू एंड हु विल डू। ये सारी जो प्लान्स हैं ये एडवांस में तय कर लिए जाते हैं और इन्हीं के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। प्लानिंग इफ़ेक्टिव कर देती है किसी भी मैनेजमेंट को, काम आसान हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। प्लानिंग के बाद अगला स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग। स्टूडेंट्स देखिए, एक बार प्लान जब रेडी हो जाता है तो अब ऑर्गेनाइजेशन का अगला स्टेप होता है कि ऑर्गेनाइज करना। देखिए, ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है कि ये जो प्लान है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कितने डिपार्टमेंट्स लगेंगे या कितने एम्प्लॉयज़ को हमको रखना होगा और किस हिसाब से हमको प्लान अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे कि हमारा जो गोल है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो सके, तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लान पूरा करने के लिए एक सेटअप बनाना ज़रूरी होता है, जहाँ पर काम होगा तो उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है स्टाफिंग। एक बार डिपार्टमेंट्स अच्छी तरह रेडी हो जाएं और हमने ये तय कर लिया है कि कौन से डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, उसके बाद स्टाफ की रिक्रूटमेंट होती है। हम लोग एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट करते हैं, इसमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम भी आता है। जो लोग पहले से ही काम कर रहे हैं हमारे साथ उनको अलग अलग चीज़ों के लिए ट्रेन किया जाता है ताकि उनके स्किल और डेवलप हो सके। इसमें मैनेजमेंट हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड बनाती है कि कौन सा एम्प्लॉय बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, कौन से एम्प्लॉय में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है और कौन से में नहीं आ रही है। तो ये पूरा जो काम होता है इसको कहते हैं स्टाफिंग। नेक्स्ट स्टेप, डायरेक्टिंग। देखिए, मैनेजमेंट का बेसिक काम क्या होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जाया जाए और कौन सी डायरेक्शन, गोल की डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग का मतलब है कि हर एम्प्लॉय को ये समझाया जाए कि जो वो काम कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और वो किस डायरेक्शन में काम करे कि उसका काम सक्सेसफुल हो सके। तो बेसिकली इस काम को सबॉर्डिनेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह संभालती है, वो वर्कर्स को अच्छी तरह समझाती है और कंट्रोल करने की कोशिश करती है वर्कर्स के काम को, और कोई भी अगर कमी होती है तो उसको मोटिवेट करना भी सबॉर्डिनेट लेवल का काम होता है। तो यहाँ पर डायरेक्टिंग मीन्स होता है डायरेक्शन, किसी दिशा की तरफ काम करना। लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ कंट्रोलिंग। देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तब तक कंट्रोलिंग का काम चलता रहता है। कंट्रोलिंग में बेसिकली हर एम्प्लॉय का वर्क देखा जाता है कि उन्होंने किस तरीके से काम किया है, कितनी मेहनत की है, कितनी उनके काम में कमी रह गई है,
इन सब का एक रिकॉर्ड बनाया जाता है और एम्प्लॉयज़ को उनकी कमियों के बारे में या उनकी खूबियों के बारे में उनको बताया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है और उनको मोटिवेट किया जाता है। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा चलने वाला फंक्शन है मैनेजमेंट का। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको नज़र आई है। अब हम अगले वीडियो में Part-3 में कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस और उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।